बेस्ट सैम्पल पेपर ढूंढ रहे हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए, तो बेसिकली ऑल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एडू का जोन का एक बेस्ट सैम्पल पेपर हम बोल सकते हैं इसने वाले हैं इस सैम्पल पेपर की। इसका नाम है एडू का जोन, ये साइंस का सैम्पल पेपर है टेंथ क्लास का। बेसिकली ऐसे ही सैम्पल पेपर मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट के और स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको। 10 सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो सेट होते हैं अनसॉल्व्ड है, फिर लास्ट में उनके सॉल्यूशंस होते हैं वो मिले। हेलो बच्चों, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो बेसिकली इस बार बोर्ड देने जा रहे हैं, तो दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर बनना है। क्वेश्चन ये बनना है कि हम PYQs क्यों करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं वो क्यों करें और कैसे करें, जिससे कि जो मार्क्सिंग का एक स्टेटस है, मार्किंग का स्टेटस है, वो कैसे आए। तो एक दिमाग में बात हमारी बैठनी चाहिए कि प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए कि प्रैक्टिस करने के बाद उस जो प्रैक्टिस की है उसको रीचेक कर सकें और रीचेक करने के बाद जो गलती एरर है वो देख सकें। मतलब प्रैक्टिस तो करनी है तो एक डायरेक्शन के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर हम डायरेक्शन के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा नंबर स्टेटस नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं PYQs क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पिछले जो 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि CBSE में कौन कितनी बार क्वेश्चन आया है। बात समझ में आया ना, कितनी बार उसका उसी के थ्रू, उसी के क्वेश्चन के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं वो कितनी बार CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में बनाए गए हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो PYQ से एक हेल्प मिल जाएगी कि हम अगर NCERT कर रहे हैं तो NCERT एक सफिशियंट बुक है, बोल सकते हैं इसको, लेकिन प्रॉपर सफिशियंट बुक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप NCERT पूरी कर लेंगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट लगाना है वो PYQ के स्टैंडर्ड के ऊपर ही लगाया जाता है। ऐसे बहुत से सैंपल पेपर जो बनते हैं मार्केट में वो PYQs के सैंपल पेपर के बेस पर ही बनते हैं, जिसमें मैंने एक बेस्ट सैंपल पेपर बोला था एडू का जोन, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रेंथ, और PYQs का सेट प्रोवाइड कर रहा है। बेस्ट क्यों बोला, इसी वजह से पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि PYQs का इसमें सेक्शन मिल रहा है और दूसरी बात 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। बात समझ में आया, तो इसको परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह डाली है। अब बात आया, क्वेश्चन आई कि PYQs क्यों करें, क्यों तो समझ में आ गया, अब कैसे करें। PYQs अपन क्या करते हैं, कर लेते हैं बहुत आसानी तरीके से, सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हम सॉल्व करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर 10 के 10 सेट लगा दिए, सॉल्व कर दिए और बोर्ड एग्ज़ाम में आप चले गए। भले ही आप एक या दो PYQs जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भले ही एक या दो लगाओ, लेकिन उसको करने के बाद अपने जो आपने प्रैक्टिस की है उसको मार्किंग स्टेटस के हिसाब से चेक भी करना होता है। आप करें चेक कि आपके टीचर्स चेक करें या आपके पेरेंट्स चेक करें, तो उनको चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी एडू का जोन का फर्स्ट सैम्पल पेपर, तो उसको सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आपने सारे क्वेश्चन कर डाले साइंस के, MCQ, ठीक है ना, केस बेस्ड स्टडी, असेशन, रीजनिंग, 2 नंबर, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ये कर दिए। फिर आपने क्या करना है, अपन को पीछे से अगर इसके आंसर्स हैं तो इसके चेक करो, नहीं तो अपने टीचर्स के थ्रू चेक करो, क्योंकि असल अगर आपको नंबर बढ़ानी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में तो इन प्रैक्टिस सेट का निचोड़ देखना पड़ेगा कि हम एरर, मिस्टेक, गलती, ये तीनों चीज़ें कि कहाँ कर रहे हैं। बात समझ में आए, जब तक ये नहीं पता चलेगा तो आप 10 लगा लो, 4-5 बुक लगा डालो, कोई आपके लिए बेस्ट नहीं मानी जाएगी। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस ऐसे ही किया जाता है कि पहले सॉल्व करो अनसॉल्व को, फिर उसके बाद अपन को उसको चेक करना है, रीचेक आप करें, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू करें, आप सेल्फ एवेल्यूशन करें या आप टीचर के थ्रू कराएं, कराना आपको है और कराना ज़रूरी है। अगर 90+ का ड्रीम आपने देखा है तो, क्योंकि बुक तो पेरेंट क्या करते हैं, बुक दिला दी आपको, आपने बुक कर ली कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो भी हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे प्री बोर्ड में, या SA1 में, SA2 में नंबर नहीं बढ़े। इसका एक ही रीज़न है, रीज़न तो बहुत सारे लेकिन इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि आपने जो प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, आपने जो क्या की है,
प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस को किया तो है मन से, लेकिन उसको चेक नहीं किया कि हम एरर प्रैक्टिस में के समय मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। अगर आप उसको चेक कर लेंगे तो पी वाई क्यू क्यों करें, कैसे करें, इसका क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल जाएगा। भले चार करिए, लेकिन चार ऐसे करें कि चेक करें, सॉल्व करें, एक अलग स्टैंडर्ड बुक बनाएं, स्टैंडर्ड कॉपी बनाएं उसकी, उसमें पी वाई क्यू लिखें, मैथ की अलग, साइंस की अलग, एसएसटी की अलग, या दो सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना सकते हैं, और उसको दो करने के बाद आप चेक करें कि आपकी गलती क्या है, फिर उसको रिवाइज करें गलती को, फिर अगला सैम्पल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाएं। ठीक है ना, बात समझ में आया। पहले आप एक करेंगे, फिर एक को चेक कर सकते हैं, या दो कर लें, फिर दो के बाद उसको पूरे को इवैल्यूएट करें, टीचर के थ्रू या आपके थ्रू। इससे पी वाई क्यू से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक तो कवर हो जाएंगे, दूसरी बात आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, वो कॉन्फिडेंस आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो अभी अक्टूबर चल रही है, आप पूरा पूरा महीना है, पूरे पूरे दिन बचे हुए हैं, अभी भी कुछ आपका बिगड़ा नहीं है, मतलब मैं कहूँ तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधी फरवरी, लगभग आप पे 3.5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है ना, और इसमें भी 5 दिन है, तो लगभग मैं बोल दूँ तो 3.5 अप्रॉक्स मान रहे हैं, 3 महीने में लगभग हमारे 90 दिन हो गए, 5 और दिन और एक आध ऊपर नीचे करके 100 दिन बचे हुए हैं। इन 100 डेज़ में आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बहुत आपके 90+ का जो ड्रीम है वो आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत, लगन और डायरेक्शन फुल प्रैक्टिस चाहिए। तो जुड़े रहिए साइंस कंजुगेट के साथ और बने रहिए, पढ़ते रहिए।